अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते समय यार मेरे। प्रधानमंत्री हो तुम, कुछ चौकीदार या चपरासी तो नहीं हो ना कि जो स्मार्ट सिटी बनाया कलकत्ता से सड़क लेके आए और अमेरिका से जो फैक्ट्री लेके आए उसके ऊपर जो योगी जी खड़े हो गए बन गए स्मार्ट सिटी। अगर बोलेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा हो, जो अब्बा जान कह रहे हैं क्योंकि वो अब्बा नहीं बने तो अब्बा की महत्ता उन्हें मालूम नहीं है। अब्बा कितना पवित्र नाम है, अब्बा की कितनी इज्जत है, अब्बा का कितना मान सम्मान है, उसे अब्बा कहो, पापा कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो, बाबा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो बना ही नहीं अब्बा उसे क्या पता अब्बा की। और वो उनके अब्बा ही थे जिन्होंने इस देश को मिसाइल दिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वो अब्बा ही थे अब्दुल हमीद, वो अब्बा ही थे जो अशफाक उल्लाह खां थे, कौन थे वो, अब्बा ही थे। और ये रहा इंडिया गेट, पास में ही है इंडिया गेट पर करीब 94,000 जो सैनिकों के नाम है उनमें से 62,000 उन अब्बा जान के नाम है, लेकिन उन अब्बा जान को पता ही नहीं क्योंकि अब्बा जान तो बने नहीं। वो लेकिन आपकी पहुंच भी सीमित है, जिसकी पहुंच ज्यादा है वो गोदी मीडिया। उस गोदी मीडिया पर तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे प्रायोजित कार्यक्रम चलता है। जो मोदी जी के यार हैं जिन्होंने पूरा मीडिया लगभग खरीद लिया है, जिसमें रिलायंस और जी न्यूज वाले जिन्हें आप जानते बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने जो खरीद लिया है वो पत्रकार नहीं है, उनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, वो है बिजनेसमैन और वो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं और आज की तारीख में वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उसकी जो पहुंच है घर घर तक, उस मीडिया पर केवल और केवल झूठा और गलत प्रचार किया जाता है। तो जो लोग केवल उसी मीडिया को देखते हैं उन्हें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं उन्हें मालूम है। इसके साथ साथ लोगों को डराया जा रहा है, झूठी FIR की जा रही है, झूठी FIR करके बंद किया जा रहा है। आप देखेंगे दिल्ली दंगों में कितने ही, तकरीबन 2000 लोगों को बंद किया गया है। और इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 लोगों की जमानत देते हुए ये कहा कि ये जो पूरे केस हैं दिल्ली दंगों के, ये केवल हवाई हवाई बनाए गए हैं, कहीं भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जिन लोगों को 1 साल से जेल में रखा गया है उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है। बावजूद उसके जिन लोगों ने FIR कराई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर आप ये मानने, हाईकोर्ट ये मान रहा है कि इसमें कहीं भी कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो आप उस FIR को, उस चार्जशीट को क्वेश्चन करिए, खत्म करिए वहीं। और साथ में जिन लोगों ने वो झूठी FIR करी और इन लोगों को बंद किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 182 में उनके खिलाफ झूठी FIR लिखने के, उसमें आप FIR कीजिए उनके खिलाफ में, आप उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेजिए, कोई काम नहीं किया। जिसका नतीजा ये है कि कोई भी निकल के बाहर आता नहीं है, डर फैलाया गया है और इससे भी बड़ा डर इस कोरोना के नाम पर फैलाया गया। आप और हम लगातार कवर कर रहे हैं, मैं भी लगातार कवर कर रहा हूं और लगातार 10 महीने से उनके साथ में किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें लाखों लोग हैं। उन लाखों लोगों में कोई भी व्यक्ति किसी भी बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन चल रहा मास्क नहीं पहनता है, मैंने भी नहीं पहना आज तक जिंदा है, किसी भी एक किसान को कोरोना नहीं है। तो इससे समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये है। और सरकार का मीडिया जब उसे लगता है कि आप लॉकडाउन करना है तो वो लगातार उसकी संख्या बढ़ाता चला जाता है, और जब लगता है कि हाँ अब हो गया काम, अब जो इसको अपना काम जो होना था वो हो गया, उसी की आड़ में किसान बिल लेके आए, उसी की आड़ में इन्होंने कृषि जो और बाकी सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म की हैं। तो ये सब चीज़ें सरकार जो कर रही है उससे जो डर फैलाया गया है, दुर्भाग्य से लोग डरे हुए हैं और हम लगातार लोगों के मन से डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं मोदी कोई ऐसी चीज नहीं है कि सबको खत्म कर देगा, कोई इतनी ताकतवर चीज नहीं है कि इस धरती पे किसी को रहने नहीं देगा। हम लोग भी जिंदा हैं, अगर डरते रहोगे तो डराया जाता रहेगा। झूठी FIR होंगी, अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो कहीं भी झूठी FIR करके तुम्हें घर से पकड़ के ले आएंगे, क्या कर लोगे आप, लेकिन बोलो। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी बहुत बढ़िया, अगर बोलेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी। अगर ये, अगर यही बात सही है तो 4000 कंपनियां, वो तो प्राइवेट हैं, प्राइवेट ये ना सरकारी तो नहीं है, जो 4000 कंपनियां हैं उन्होंने क्यों जाके कहा NCLT के सामने, NCLT जानते हो दिवालियापन का जो कमीशन है, उसके सामने क्यों कहा भैया हमसे कंपनी नहीं चलती, हमारा तो दिवाला निकल गया और हमें इससे मुक्ति दो। अगर प्राइवेट इतनी ही बढ़िया है, इतनी सफल है और उसमें सब शामिल है, उसमें अंबानी भी शामिल है, रिलायंस वगैरह उसमें, ये सब शामिल है, टाटा पाटा जन कौन कौन है, कोई ऐसा नहीं है जो उसमें शामिल नहीं हो,
और वहीं से ऐसी ही जगह से जो रुचि सोया है लाला रामदेव ने जो खरीदी है, 12,000 करोड़ का उस पर कर्जा था, 12,000 करोड़ के कर्जे को ना देके उस कंपनी को बेच दिया गया और लाला रामदेव ने खरीद ली 3,450 करोड़ रुपए में, बैंक लोन दिलवा के। आप देखिए, मतलब बैंक का कर्जा देना था, वो कर्जा तो गया नहीं, और कर्जा लेके वो कंपनी खरीद ली गई। ये जो तमाशा है, जो लूट है, ये आम जनता को मालूम नहीं है। जैसे जैसे आम जनता को मालूम पड़ेगी, और उसका माध्यम आप हैं, आप लोग हैं, मैं इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके माध्यम से जनता को पता लगेगी ये जो भी प्राइवेटाइजेशन है, जो निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण देश को तबाह करने के लिए हो रहा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मोदी जी चिल्ला रहे 3 साल से यहाँ पे, मतलब दुनिया में ऐसा झूठा आदमी आपको मिलेगा नहीं, देखे भी 3 साल से लाल किले पे चढ़ के मोदी जी चिल्ला रहे 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 100 लाख करोड़ 3 साल से, बिल्कुल 19, 20, 21, यानी 3 साल जो झंडा फहराया लाल किले पे 15 अगस्त पे, 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बेच के कितना कमा रहे, देश को बेच के कितना कमा रहे, 6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कितने का करेंगे, 100 लाख करोड़ का, और कमा कितने रहे 4 साल में, 6 लाख करोड़। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते समय यार मेरे, प्रधानमंत्री हो तुम, कुछ चौकीदार या चपरासी तो नहीं हो ना, ये चीज समझने की है कि प्रधानमंत्री किस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से देश को मूर्ख बनते, ये भी माइंड सेट किया जा रहा है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बेटा अपने पुरखों की प्रॉपर्टी को बेच दे, उसको क्या कहोगे, लायक कहोगे नालायक कहोगे, बताओ भाई, बताओ यार, सारे डर के रहे, मैं तो कहूंगा नालायक। तो मोदी जी जनता की आवाज सुन ली आपने, जो आप देश को बेच रहे हो, जो कामगार होता है, जो काबिल होता है, वो बेचता नहीं है, वो कमाता है, वो अपनी संपत्ति 1 की 4 करता है। ये तो दुनिया भर की जितनी संपत्ति मतलब देश में अब तक बनी थी, उस सारी संपत्ति को बेच रहे हैं, यहां तक कि LIC, रेलवे, BSNL, BPCL, कॉनकॉर, मतलब क्या नहीं है, जो भी प्रॉफिट में, देखिए BSNL उसका, BPCL का अभी इसी साल जो BPCL ने कमा के दिया है 8,000 करोड़ रुपया सरकार को कमा के दिया है, जिसे बेच रहे हैं, और किसके पास जाएगी, इनके यार के पास, दो में से एक के पास जाएगी, या तो रिलायंस के पास, अंबानी के पास जाएगी, और या अडानी के पास, क्योंकि उन्हीं की चौखट को सलाम करते हैं, मोदी जी उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं दोनों की, तो वहां जाएगी। और ऐसे ही BSNL कहां जाएगा, BSNL की कीमत लगाई गई है 39,000 करोड़ रुपए, 39,000, और BSNL के जो 14,700 के लगभग जो टावर हैं, जो उसकी 3.5 लाख किलोमीटर लंबी उसकी जो उसका वायरिंग वगैरह सारी बिछी हैं, तार बिछे हैं उसके पूरे देश में, और जो उसकी प्रॉपर्टी है 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है उनकी, जिसे मोदी जी 39,000 करोड़ में बेच रहे, फिर भी देश के लोगों को नहीं पता लगती कि क्या हो रहा है, कैसे देश तबाह किया जा रहा है, लगातार जीता रही है, जनता वोट नहीं देती। मैं बहुत खुलेआम कह रहा हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी सुनते हैं, मोदी जी हमें क्या कहते हैं, आंदोलन जीवी, तो मोदी जी हमें सुनते हैं, हमें मालूम है, मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी, सुनेंगे मोदी जी, ये जो बेचा जो सरकार बन के आ रही है ना, ये EVM से बन के आ रही है, एक बार EVM बना दो, मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम, सारे इनके मंत्री अगर वहां भी जाके बैठ जाएं, बनारस में, वहां से इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, बंगाल में जाओ, बंगाल में तो पता लग गई ना इनकी, साफ हो गया मामला, नहीं निश्चित रूप से EVM था, तो EVM में गड़बड़ी होने की खबर आई वो, लेकिन वहां नहीं कर पाई ये सारी की सारी चीजें, और वो भी एक स्ट्रेटजी है, एक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है कि हमें कहां जीतना है, कहां नहीं जीतना है, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। ऐसा नहीं होता कि जो गेमलर होता है वो हर जगह जीतता है, अगर जनता का भरोसा जीतना है तो कभी कभी हारना भी पड़ता है, ये BJP की स्ट्रेटजी होती है कि कहाँ मैं जीतना है, दूसरा उनको सेंट्रल में बने रहना है, सेंट्रल में कभी नहीं हारता, और ये इसके बहुत सारे प्रूफ ये आप जैसे मीडिया ने दिए, क्विंट ने दिए और बहुत सारे मीडिया ने दिए कि EVM में कितना मैनेजमेंट होता है, EVM को कभी भी कोई भी मीडिया तो कभी नहीं उठाता है। अगर आप ये समझ रहे हो कि देश की जनता आपके साथ में है, वैसे तो जो लगातार सर्वे आ रहे हैं उन सर्वों से आप देख रहे होंगे 72% से मोदी जी की पॉपुलरिटी 8% पे आ गई है। अब बताइए 8% पे जनता ने वोट किया है, ये जनता ही कर रही है, तो अगर आपके पास 72% है, आपके पास में इतनी वोटें हैं, तो आप क्यों नहीं EVM को खत्म करते, आप बैलेट पेपर से कराओ,
आपकी छाती कितनी चौड़ी है पता लग जाएगी। लेकिन अभी एक सर्वे हुआ, उसमें पूरी दुनिया में मोदी नंबर वन आए हैं। किसका सर्वे है? मोदी के मीडिया का, गोदी मीडिया का सर्वे है वो, किसी का और का सर्वे नहीं है। इंडिपेंडेंट जो सर्वे हैं वो सर्वे बता रहे हैं कि मोदी की पॉपुलरिटी 8% रह गई है मात्र, उससे भी नीचे जा रही है, ये है हाल। तो ये सर्वे जो है ये सारा मोदी गोदी मीडिया और कुछ नहीं। आप एक बात बताइए कि 4 लाख नौकरियां कहां दी है? जो एडवर्टाइजमेंट है वो है कि 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां, ये नहीं है कि दी है या गई है, ये कहीं भी नहीं है। और अगर है ऐसा तो बताएं योगी जी कि 4 लाख नौकरियां किस किस विभाग में कब कब आपने दी? कुछ नहीं है, वो तो 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं। ये 4 लाख बढ़ के पहले 4.25 लाख हुई, फिर अब पौने 5 लाख हो गई है, और टोटल जो बता रहे हैं करीब 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार है। कहाँ, किस जगह हैं, कुछ बताएं? कुछ नहीं। और अगर ये सब कुछ सही है तो इतने जो बेरोजगार हैं, आप अगर वहां देखेंगे जाके, मैं आपको बताता हूँ, इको पार्क लखनऊ में जाएंगे, पिछले 2 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। जो नौकरियां आपने निकाली, जिन नौकरियों के एग्जाम ले लिए, उन लोगों को अभी तक जो उसके वो नहीं दिए गए, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए गए, ये स्थिति है। तो यूपी को तो नंबर वन स्मार्ट सिटी बना दिया, बना तो दिया वहां से लाके। मैंने भी आपको बताया ना कि जो स्मार्ट सिटी बनाया, कलकत्ता से सड़क लेके आए और अमेरिका से जो फैक्ट्री लेके आए, उसके ऊपर जो वो योगी जी खड़े हो गए, बन गए स्मार्ट सिटी। सर उसके लिए तो गलती मान ली गई ना, वो किसकी गलती मान ली गई? टीम की गलती। आपको मालूम है किसकी टीम है? वही इंडियन एक्सप्रेस, उसका जो अपना जो जिस तरह से वो न्यूज़पेपर छापते हैं उसमें लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर में जो भी छपेगा उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वो पार्टी होगी जो हमें मटेरियल देगी, हम जिम्मेदार नहीं है। तो गवर्नमेंट ये कैसे चलते हैं, कैसे लोगों से झूठी जो है हामी भरवाई जाती है, हमें सारा सब कुछ मालूम है, हमें बताने की जरूरत नहीं। सर आप भी नहीं, स्ट्रेटेजी हमारी सीधी है, हम तो बहुत सीधी बात करें, हम बात करें शिक्षा पर, क्योंकि इस देश के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश तरक्की कर सकता है। शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। तो शिक्षा हर किसी को मिले, अच्छी शिक्षा मिले और योग्य लोग निकल के आए, देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा। तो हमारा तो है, और हमने कहा भी है कि ग्रेजुएशन तक सबको शिक्षा फ्री, तो हमारा पहला है शिक्षा पे हमारा काम रहेगा। दूसरा इसके अलावा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, व्यक्ति बीमार पड़े तो उसको डॉक्टर मिल जाए, उसको दवाई मिल जाए, उसको हॉस्पिटल मिल जाए, वो दर दर मारा ना फिरे, इसके लिए हम काम, हमारा ये मुद्दा है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो है बेरोजगारी खत्म हो, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हमने कहा कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम, ये हमारे एजेंडे में है। तो हम तो इस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कृषि बिल हैं उनको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक संघर्ष करेंगे। जो श्रम कानून हैं, हम अगर सरकार में आते हैं तो श्रम कानूनों को बहाल किया जाएगा, जो श्रमिक हैं उनके हक में काम किया जाएगा, हम उसके लिए काम करेंगे। दूसरा जो गन्ना किसान है, गन्ना किसान, आप देखिए चीनी के दाम कहां से कहां पहुंच गए, जो गन्ना है उसके दाम अभी तक 5 रुपए जो है केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, केवल अभी तक यूपी सरकार ने बढ़ाए हैं, जैसा 325 था वैसा ही 325 है। और किसान को मजबूरी में, क्योंकि उसके गन्ने का पेमेंट भी 2 साल बाद मिलता है, तो वो व्यक्ति मजबूरी में क्लेसर पर डालता है 200-250 रुपए क्विंटल, कितना नुकसान वो उठा रहा है। तो हमने बिल्कुल डिसाइड किया है कि किसान जैसे ही गन्ना मिल पर तुलवाएगा तुरंत उसको गन्ने का पेमेंट मिलेगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सर, आपको ये काम करने की बात है। नहीं, वो जो अब्बा जान है ना, जो अब्बा जान कह रहे हैं, क्योंकि वो अब्बा नहीं बने तो अब्बा की महत्ता उन्हें मालूम नहीं है, अब्बा कितना पवित्र नाम है, अब्बा की कितनी इज्जत है, अब्बा का कितना मान सम्मान है, उसे अब्बा कहो, पापा कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो, बाबा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो बना ही नहीं अब्बा उसे क्या पता अब्बा की। और वो उनके अब्बा ही थे जिन्होंने इस देश को मिसाइल दिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो अब्बा ही थे अब्दुल हमीद, वो अब्बा ही थे जो अशफाक उल्ला खां थे, कौन थे वो, अब्बा ही थे। और ये रहा इंडिया गेट, पास में ही है इंडिया गेट पर करीब 94,000 जो सैनिकों के नाम है, उनमें से 62,000 उन अब्बा जान के नाम है, लेकिन उन अब्बा जान को पता ही नहीं, क्योंकि अब्बा जान तो बने नहीं, वो नहीं बहुत चचा जान, ठीक है साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अगर हिम्मत है तो उसका काउंटर करो भाई, वो चचा जान किसके लिए आ रहे, कौन लेकर आ रहा चचा जान को,
सब जानते हैं, तो बीजेपी की टीम सारे काम कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।